तो हेलो दोस्तों, आज मेरा राइड का चौथा दिन है और आज हम आए हैं पेरवाघाग। पेरवाघाग खुट्टी से लगभग 1 घंटे का रास्ता है और यहाँ काफ़ी सारे टूरिस्टों का पसंदीदा जगह है। सीरियसली गाइस, यहाँ कोई नहीं आया है। सुबह सुबह हम अकेले पहुँच गए हैं, तो सुबह सुबह एकदम से सुनसान पड़ा हुआ है गाइस यहाँ इस जगह पेरवाघाग में। और यहाँ के बंदर लोग अजीब तरह से घूर घूर के देख रहे थे गाइस। तो वीडियो में बिना किसी देरी किए चलिए घूमते हैं पूरा पेरवाघाग। हम आपको दिखा रहे हैं नीचे के साइड और इसके बाद हम झरने के ऊपर के साइड जाएंगे और ऊपर से भी आपको नजारे दिखाएंगे। अभी फिलहाल नीचे दिखाते हैं, बीच से नदी बह रहा है, पूरा चट्टान ही चट्टान भरा हुआ है यहाँ पर और काफी बढ़िया व्यू है। और हमको तो गाइस पर्सनली बहुत गर्मी लग रहा है। यहाँ पिकनिक मनाने के लिए आते हैं तो यहाँ बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर आप खाना पीना बना के आराम से पिकनिक मना सकते हैं, जैसे कि इधर देख सकते हैं यहाँ आसपास। ज़्यादा लग रहा है और अभी हम सोच रहे हैं यहाँ पर नहा लेते हैं, उसी की वजह से हम साबुन वगैरह सब कुछ लेके लाए हैं। साबुन, टॉवेल और हाफ पैंट वगैरह सब कुछ लेके लाए हैं नहाने के लिए। तो अभी फ़िलहाल हम नहा लेते हैं, फिर आपको ऊपर ले जाएंगे घुमाने के लिए। और अभी हम यहाँ पर नहाएंगे, देखिए यहाँ पर हम आराम से नहा लेंगे और अब ऊपर के साइड जाएंगे झरने के तरफ घूमने के लिए और वहाँ से आपको पूरा नीचे का नज़ारा दिखाएंगे। तो चलिए पहले फिलहाल नहा लेते हैं। और गाइस, अगर यहाँ आते हो तो साफ सफाई का बहुत ही ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ आसपास काफ़ी सारे कचड़े वगैरह कचड़ा सब है यहाँ में फेंका हुआ है और डस्टबिन सब भी ऐसे ही फेंका हुआ है। वहाँ आसपास देख सकते हैं यहाँ भी और उधर भी डस्टबिन सब ऐसे ही फेंका हुआ है। और एक बात गाइस, यहाँ आके उल्टी सीधी हरकत मत करना, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खतरा है। देख सकते हैं यहाँ बड़ी बड़ी चट्टाने हैं और बहुत खतरनाक चट्टाने हैं, तो सावधानी से आए और अच्छे से पिकनिक वगैरह मनाए और अच्छे से यहाँ को देखे और अच्छे से घर पहुँचे। तो हम तो बस यही बोलेंगे और बाकी अभी हम आपको ले जाते हैं ऊपर की तरफ और ऊपर से पूरा नज़ारा दिखाते हैं आपको। तो अभी फरवरी का महीना चल रहा है और अभी तो फ़िलहाल पूरा का पूरा पेरवाघाग खाली है और यहाँ पर सुबह से लेकर अभी तक कोई भी इंसान नहीं आया। हम लगभग वही 8 बजे आसपास आए थे और अभी फ़िलहाल 10:30 होने जा रहा है और पूरा का पूरा खाली है। यहाँ देखिए पूरा खाली है, कोई नहीं है इस जगह में, केवल हम अकेले हैं यहाँ, ठीक है ना। और देखिए यहाँ से यहाँ सीढ़ी है, यहाँ पर यहाँ से आप नीचे उतरिएगा तो आपको पहला नज़ारा यही दिखेगा, देख सकते हैं यहाँ। तो अभी उस तरफ है झरना यहाँ पर, तो अभी वहीं जाते हैं और यहाँ पर झरने देखने के लिए जाने के लिए वहाँ सीढ़ी बनाया है, देखिए वहाँ से अभी जाएंगे। ये यहाँ पर सीढ़ी है, इसी से पार होते हैं और यहाँ पर हम कपड़ा सुखा दिए हैं, उधर से घूम के आएंगे तब तक यहाँ थोड़ी बहुत तो सूखी हुई होगी शायद कपड़ा, तो इसलिए हम यहाँ पर सुखा दिए हैं। और यहाँ पर अभी पार होते हैं पूरा सीढ़ी से, यहाँ पूरा मस्त टाइप से सीढ़ी बनाया है यहाँ और अभी इधर जाएंगे। ये झरना का नीचे ऐसा है, यहाँ झरना उधर बह रहा है, वहाँ थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा झरना और उससे नीचे ऐसा है और वहाँ पर दो बोट भी है।
अगर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा में टूरिस्ट आते हैं तो वो बोट भी चलता है, वहाँ बोट चलाया जाता है उधर रस्सी से खींच के। और अभी चलते हैं ऊपर तरफ, देखिए यहाँ पूरा चट्टान ही चट्टान है। यहाँ आइएगा तो गाइस सावधानी ज़रूर बरतिएगा, कहे कि यहाँ बहुत ही खतरा ही टाइप से है। तो जाते हैं ऊपर। मेन ऊपर का झरना, और यहाँ से तो हम आगे नहीं जाएंगे। इधर देख सकते हैं, इधर बहुत ही खतरा है, और अभी बहुत सा टाइम लग जाएगा गाइस, और मेरे पास उतना टाइम नहीं है। अभी हमको ड्यूटी भी पकड़ना है, तो इसलिए आगे नहीं जाएंगे, बस यहीं से जितना हो सके यहीं से नज़ारा देख लेते हैं। और यहाँ देखिए वहाँ पानी बह रहा है वहाँ से नीचे, और इधर बहुत ही ज़्यादा खतरा है। यहाँ पर बोटिंग भी होता है, वहाँ पर बोट रखा हुआ है दो पीस, देख सकते हैं वहाँ दो बोट है। और यहाँ से नीचे देखिए, वाव व्यू तो काफ़ी बढ़िया है गाइस यहाँ का, और ये झरना भी काफ़ी बढ़िया लगा। और यहाँ हम बहुत दिनों के बाद आए थे, स्कूल टाइम आए थे, और स्कूल टाइम के बाद से फिर आ जा रहे हैं यहाँ पर देखने के लिए, और काफ़ी कुछ बदल गया है यहाँ। अभी हम यहां से जाने वाले हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, और अभी मेरे जाने के टाइम पे एक फैमिली वाले लोग आए हैं, और यहां पूरा पैरवा घाग देखने ही आया है शायद ये लोग, और ये लोग देख रहा है पूरा पैरवा घाग, और इससे पहले कोई भी नहीं था यहां पर। और काफ़ी समय काफ़ी दिनों बाद आए हैं, और यहाँ पर बहुत सारा बदलाव हुआ है। पहले ये वाला सीढ़ी नहीं था, ये वाला सीढ़ी नहीं था उस टाइम आए थे, और अभी फ़िलहाल ये सीढ़ी वगैरह बन गया है, और ऊपर पार्किंग एरिया भी बहुत अच्छा से बन गया है। और अभी फ़िलहाल हम निकलेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, अभी हमको ड्यूटी भी पकड़ना है जाके, तो फ़िलहाल अभी चलते हैं ऊपर की तरफ। तो सीढ़ी से चढ़ते चढ़ते पूरे तरह से थक गए हैं, पूरा थक गए हैं, और सुबह में हम कुछ खा के भी नहीं आए थे, तो अभी फ़िलहाल हम कुछ खा लेते हैं। यहाँ ब्रेड लाए हैं और कोल्ड ड्रिंक लाए हैं, तो फ़िलहाल अभी हम खा लेते हैं। तो फिलहाल अभी हम ऊपर आ गए हैं, पूरा सीढ़ी से चढ़ चढ़ के पूरा थक गए थे, और यहाँ देखिए सीढ़ी, यही वाला सीढ़ी से चढ़ चढ़ के पूरा थक गए, और वहाँ पर बैठ के हम नाश्ता भी कर लिए। अब आपको दिखाते हैं यहाँ पूरा ऊपर का नज़ारा, शौचालय, यहाँ पर ये बैठने के लिए यात्री सेट, और यहाँ पर ये रोड, ये टाइल्स बिछा हुआ है यहाँ पर रोड में, और इधर ये वाला, और इधर ये सब कुछ नहीं था जब हम पिछले बार आए थे, पिछले बार बहुत ही दिन पहले आए थे, और ये सब कुछ भी नहीं था। और यहाँ पर देखिए व्यू देखने के लिए ऊपर चढ़ के देख सकते हैं, यहाँ से व्यू ये भी बनाया गया है। अभी यहाँ पर आपको ऊपर चढ़ के भी दिखाते हैं यहाँ से, और देखिए यहाँ पर ये स्लाइडर ये बच्चे लोग के लिए बनाया गया है यहाँ बैठने के लिए, और यहाँ बहुत कुछ है। देखिए यहाँ पर ऐसा रोड सब भी नहीं था पिछले बार हम आए थे, तो मतलब बहुत ही दिन हो गया आए हुए, वो 10th क्लास में थे उस टाइम हम आखिरी बार आए थे, ठीक है ना। और यहाँ देखिए ये सब ऊपर चढ़ के दिखाते हैं अभी आपको यहाँ का पूरा खुफिया नज़ारा। देखिए यहाँ से आप पूरा ऊपर का व्यू देख सकते हैं, यहाँ से देखिए
यहाँ व्यू देखने के लिए बनाए हैं। और देखिए यहाँ पर, यहाँ से आप पूरा व्यू देख सकते हैं और वहाँ भी है जगह व्यू देखने के लिए। और यहाँ से आप और भी सीढ़ी है ऊपर, और भी चढ़ सकते हैं ऊपर। तो यहाँ भी देखिए, यहाँ से पूरा नज़ारा दिख जाएगा इधर का, इधर ऊपर का पूरा नज़ारा दिख जाएगा। और देखिए क्या ही नज़ारा आ रहा है यहाँ से, यहाँ और यहाँ नीचे सीढ़ी है। देखिए इधर सीढ़ी, और देखिए गाइस यहाँ कचरा बहुत सारा है। कचरा साफ़ सफाई में थोड़ा सा हम लोग को ध्यान देना होगा यहाँ का। और देखिए कि यहाँ पर एक टावर बनाया गया है, यहाँ एयरटेल का एकदम फर्स्ट क्लास नेटवर्क दे रहा है, पूरा फुल नेटवर्क दे रहा है। तो इसका मतलब एयरटेल का ही टावर होगा ये। और बाकी क्या ही बोले यार, अभी फ़िलहाल अपन निकलते हैं क्योंकि लेट हो रहा है, अपने को ड्यूटी भी पकड़ना है। तो फिलहाल अभी हम लौट रहे हैं और रास्ते में हैं। और वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो एक लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कर देना गाइस, और थोड़ा सा आगे बढ़ा देना। कुछ समय के बाद हम रोड ट्रिप का भी वीडियो लाएंगे, अभी प्रॉपर रोड ट्रिप का वीडियो नहीं दे पा रहे क्योंकि माउंट ऑर्डर किए थे वो पिछले वीडियो में बता दिए थे हम, ख़राब आया था तो इसलिए उसको एक्सचेंज कर दिए हैं, मतलब रिटर्न कर दिए हैं, और उसके बदले में और दूसरा कुछ सामान भेज देगा। और पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा, दसम फूल का बनाए हैं, बहुत ही बढ़िया वीडियो बनाए हैं, तो जाके देखिए और थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा। तो फ़िलहाल अभी हम लौटते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में, डे 5 में। तब तक के लिए बाय।